नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर हमारे वीडियोस करें और गूगल एप्लीकेशन पर, प्ले स्टोर पर जाकर या डाउनलोड सेंटर पर जाकर तक एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर करें ताकि आप अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बना सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के विशेष टॉपिक की। इस वास्तु दोष के कारण व्यक्ति का बुरा समय आ जाता है, व्यक्ति का टाइम खराब हो जाता है। कभी आपने सोचा है कि व्यक्ति का समय एक तरफ तो ठीक चल रहा होता है लेकिन अकस्मात ऐसा कुछ हो जाता है कि समय बुरा आ जाता है और ये जो दोष है ये आपके घर में ही छुपा है और बहुत नज़दीक है, हो सकता है आपके हाथ में ही है वो दोष। और जानते हैं ये दोष क्या है? समय खुद। समय किससे देखते हैं आप? घड़ी से। एक ज़माने में एनालॉग घड़ियां नहीं हुआ करती थी, तब क्वार्ट्ज घड़ियां थी, उससे भी पहले ऑटोमेटिक घड़ियां थी और उससे भी पहले चाबी वाली घड़ियां थी। आजकल एनालॉग का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है। आजकल लोग हाथ घड़ी कम पहनते हैं क्योंकि आपके मोबाइल में ही घड़ी की सुविधा भी उपलब्ध है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं जो समय है, ये जो कालचक्र है, ये अच्छा या बुरा क्यों हो जाता है? ऐसा क्यों होता है कि एक समय आपके लिए बहुत अच्छा है और आपके पड़ोसी के लिए ख़राब है, एक समय आपके भाई के लिए, आपकी बहन के लिए बहुत अच्छा है लेकिन आपके लिए ख़राब हो जाता है इंडिविजुअली? इसकी पूरी जिम्मेदारी है आपके घर की घड़ी। अगर घड़ी सही नहीं होगी तो जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी, क्योंकि ये ज़िंदगी भी जो है वो घड़ी दो पल की है। दो पल ये वो पल हैं जिसमें ज़िंदगी सुखद भी है, अच्छी भी और बुरी भी है। तो आप ये जान लीजिए घड़ी की क्या प्लेसमेंट हो, घड़ी का क्या स्ट्रक्चर हो, घड़ी का क्या कलर हो और अगर घड़ी खराब हो जाए तो किस प्रकार का वास्तु दोष क्रिएट करती है। देखिए समय जो है वो एकमात्र एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे गिना नहीं जा सकता और वास्तविकता में समय को ही गिना जा सकता है। जैसे इस व्यक्ति ने 100 मीटर की दौड़ इतने इतने सेकंड में पूरी कर ली, जैसे ये ट्रेन इतने बजकर इतने मिनट पर आएगी, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन समय आपके सोच से भी बियॉन्ड है, आपके पूर्वज भी समय में हो चुके हैं, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चे भी समय में होंगे, लेकिन समय कभी समाप्त नहीं होगा। समय अच्छा और बुरा ज़रूर हो सकता है लेकिन समय समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन अगर समय समाप्त हो जाए आपके लिए सिर्फ, तो कहते हैं ना अब समय पूरा हो गया है, मतलब व्यक्ति जाने वाला है। तो समय एक ऐसा गठजोड़ है, वास्तु का एक ऐसा दृष्टिकोण है जिस पर बहुत कुछ टिका है और ये समय बताती है आपकी घड़ी, चाहे वो हाथ घड़ी हो, चाहे वो दीवार की घड़ी हो, चाहे आपके लैपटॉप में चलने वाली एनालॉग क्लॉक हो, चाहे वो डिजिटल क्लॉक हो, चाहे वो सैंड क्लॉक हो, ये आपके जीवन में अच्छा और बुरा प्रभाव देती है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं वो राहु से संबंधित हैं और जब घड़ियां बंद हो जाएं, घड़ियां खराब पड़ जाएं या आप कोई घड़ी गलत उठा लाएं तो व्यक्ति का बुरा समय आ जाता है। जीवन में कभी भी काले रंग की घड़ियों का प्रयोग ना करें, उसका कारण होता है काल इटसेल्फ काला है, समय का मतलब काल, और उसे और काला बना दिया जाए तो वो भी अंधकार में हो जाता है। इसलिए घड़ियां हमेशा गोल ही होनी चाहिए, चौकोर नहीं होनी चाहिए, ओवल भी नहीं होनी चाहिए। घड़ियां गोल ज़्यादा सुव्यवस्थित होती हैं और घड़ी ज़्यादातर सुनहरी होनी चाहिए या सिल्वरिश होनी चाहिए। टालना चाहिए व्यक्तियों को नीले रंग की घड़ियों को, भूरे रंग की घड़ियों को और काले रंग की घड़ियों को। कारण यह है कि राहु केतु की निशानियों को अगर आप घड़ी में सम्मिलित करते हैं तो जीवन में घड़ियां बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं। किसी भी तरीके से पश्चिमी दीवार पर घड़ी कभी ना लगाएं, हमेशा घड़ी जो लगाएं आप घर की उत्तरी या पूर्वी दीवार पर लगाएं। घड़ी का जो डायल होता है, जो बेस होता है, वो या तो सफ़ेद हो या गोल्डन हो। एक तो देखने में भी ये बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगता है, साथ ब साथ के अंदर इसके वास्तु दोष भी मिट जाते हैं।
अगर किसी व्यक्ति के घर में घड़ी बार बार बंद हो रही है, चाहे वो रिस्ट वॉच हो, कोई सी भी वॉच हो, अगर बंद हो रही है तो ये एक तरीके का पितृदोष है और ये पितृदोष के कारण आपका समय खराब हो जाता है। कहते हैं ना, समय खराब हो जाए तो राहु केतु चढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक बोलते हैं। राहु आप पे प्रभावशील आ जाता है, और राहु जब प्रभावशील हो जाता है तो राहु की डायरेक्शन में खराबी आने लगती है, और ये जो डायरेक्शन है ये साउथ वेस्ट है, यानी कि नैऋत्य कोण। और राहु और केतु का चढ़ना मतलब केतु का डायरेक्शन क्या है, ईशान कोण। जबकि ईशान कोण में और दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में वास्तु दोष आ जाए तो निश्चित रूप से आपका समय खराब होने लगता है, आपका समय बुरा आने लगता है। ऐसे में उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम दिशा के वास्तु दोष अगर दूर कर दिए जाएँ तो निश्चित रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार का झाड़ू, गंदगी, कोई टॉयलेट उत्तर पूर्व दिशा में रखने से पहले सोचें कि ये दिशा जो है ईश्वर की दिशा है, ये दिशा केतु की दिशा है, और इस दिशा में कोई भी गंदगी ना इस्तेमाल करें। जिन लोगों के घर का गटर या टॉयलेट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बना हुआ है उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ आ जाती है, क्योंकि उनका समय खराब चलना शुरू हो जाता है। तो इन वास्तु दोषों को ठीक करें, घर की दक्षिण पश्चिम दिशा को खुशबूदार रखें, इस दिशा के अंदर आप अपना बेडरूम रख सकते हैं, और इस दोष को दूर करने के लिए समय काल चक्र का एक विशेष उपाय जरूर करें। घर के सेंटर में एक 10 मुखी रुद्राक्ष ले लें, उसके नीचे एक काला हकीक लगा दें, और उससे हैंगिंग की तरह, सस्पेंशन की तरह अगर आप लटका देंगे तो निश्चित रूप से 10 दिशाओं की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी, और आपका जो टाइम है वो अच्छा बेहतर चलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें स्वस्थ तक, और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।